रायगढ़ जिले की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल और लचर हो रही हैं। चिकित्सा सुविधाओं और केंद्रों की कमी से रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत पदों और कार्यरत कर्मचारियों के आंकड़ों की आकलन किया जाए तो बद से बदतर ही इन्हें कहा जा सकता है। ग्रामीणों की माने तो जब से अस्पताल खुला है तब से MBBS डॉक्टर तक पदस्थ नहीं किए जा रहे हैं और न ही इस अस्पताल के लिए भवन स्वीकृत किया गया। लैब, बेड, स्टोर रूम, चिकित्सा कक्ष सभी कुछ एक ही कमरे में होने से सफाई का अभाव भी है। यहाँ तक कि मरीजों और स्टाफ के लिए शौचालय तक नहीं है। यहाँ एक RMA है, एक आवासीय थे और गरीब में अटैच है, एक नेत्र सहायक है वो मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में अटैच है, एक स्टाफ नर्स है, एक ANM है, एक वार्ड आया है, एक CPS है। यहाँ तो क्या है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है 2010 स्वीकृत हो गया है। अब भवन के लिए आया भी था, रूमर्स यहाँ के साथ इसका बनाने के लिए, बाकी बनाए नहीं, बाद वाले और ध्यान नहीं दिया ग्राम पंचायत वाले, चीज से नहीं बना। सब जगह अपनी बिल्डिंगे हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 52 है, 52 जिसमें से 45 की बिल्डिंगे हैं, 7 का बिल्डिंग नहीं है, जिसमें से गणपतपुर एक जो है उसका भी सेंक्शन हो गया है गवर्नमेंट का स्टेट बजट से और वो ठेका भी हो गया, काम चालू हो जाएगा।